नमस्कार दोस्तों, मैं गुरविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल तबला क्लासेस में। आज जो लेसन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ताल तीन ताल 16 मात्रा में दिल्ली घराने का बहुत ही फेमस रेला, जिसे कंपोज किया है उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब जी ने। और ये रेला कोई मामूली रेला नहीं है, इसे आपने बड़े बड़े उस्तादों को, उस्ताद जाकिर जी, पंडित योगेश शमशी जी, जो जितने भी घराने के बड़े बड़े उस्ताद हैं उनको बजाते हुए देखा होगा। बड़ी कीमती आज का ये लेसन, बहुत कीमती लेसन है। और इसी के साथ साथ जो आपकी सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, सबसे ज़्यादा जिसके मेरे को फ़ोन आए और मैसेज आए कि तबले की पहचान कैसे करनी है, जब न्यू तबला लेने जाएं तो उसकी पहचान कैसे करें, क्या क्या देखना उसमें, क्या क्या होना चाहिए अच्छे तबले में जब भी न्यू तबला लेने जाएं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है आजकल, तबले की नॉलेज होनी चाहिए। तो दूसरा टॉपिक हमारा आज का यही रहेगा। और लेसन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि प्रॉपर आपको अच्छी तरह से लेसन की समझ आ सके। और इस रेले के आगे हम पलटे भी करेंगे विद तिहाई, और आज के लेसन में हम खाली रेला करेंगे। और इस रेले के बोल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और कॉपी पर भी उतार सकते हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस रेले के बारे में पूछ सकते हैं। और 2 महीने पहले मैंने एक छोटी सी कोशिश की थी, जो कि आजकल आपकी अपनी पसंद का कोई भी लेसन हो, चाहे क्लासिकल लाइट, आप कहीं से भी लेंगे तो पेड में मिल रहा। सो मैंने यही एक छोटी सी सेवा के तौर पर एक ग्रुप क्रिएट किया था व्हाट्सएप पर, लर्निंग तबला क्लासेस ग्रुप। इस ग्रुप में आपको आपकी पसंद का कोई भी लेसन चाहिए तो आप मुझे बोलें, मैं फ्री में वो लेसन आपको जल्द से जल्द अपलोड करके दूंगा, चाहे एडवांस हो, चाहे लाइट हो, क्लासिकल कुछ भी हो, मैं कोशिश करूंगा वो लेसन शूट करूं और आपको दूं, और बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं। जो कि आजकल कहीं से भी ले लें आप, चार्जेस लगेंगे आपको। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज कर दें। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं इस ग्रुप में। इस ग्रुप में मॉर्निंग डेली 7 बजे मैं कोशिश करता हूँ, कई बार लेट भी हो जाता है एक आधा घंटा, डेली 7 बजे मॉर्निंग आपको आपकी पसंद का एक लेसन डेली आपको चैनल और ग्रुप में मिल जाता है। ये मेरी डेली की कोशिश रहती है। तो आओ आज के लेसन की शुरुआत करेंगे, पहले रेले की करेंगे, उसके बाद आपको तबले की पहचान, तबले को कैसे खरीदना अगर न्यू तबला लेने जाए, क्या क्या उसमें देखना वो बताऊंगा मैं। इस रेले के बोल धागे तटकट गेगे तटकट देने गेने धागे तटकट गेगे नाना गेने तेने गेने धागे तटकट गेगे तटकट देने गेने धागे तटकट गेगे नाना गेने तेने गेने धागे तटकट गेगे तटकट देने गेने कैसे बजेगा पहले देखेंगे। अभी देखिए इसका झोल, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, हर किसी का झोल सबसे मेन होता है। इसका झोल देखिए, धागे धाग को दबाकर पूरा आगे, गे ढीला छोड़ के पीछे, धागे और टिटकिट बजेगी इस 3 फिंगर पर, सिर्फ 3 फिंगर पर, टिट 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 किट, लास्ट वाली टॉप ही ए वाली फिंगर पर आएगी। और बजेगी यहाँ पर, ऐसे नहीं भी आनी, यहाँ पर बजेगी, धागे 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 धागे। स्लाइड करके आगे, दूसरा गेट पीछे ढीला, धीने गिन के बोल हैं। फिर से धागे
एक पल्ला इसका। धाके तिट्टे तिट्टे घेगे तिट्टे तिट्टे दिन किन, धाके तिट्टे तिट्टे घेगे नाना किन तिन किन। ठीक है, ये एक पल्ला इसका। उसके बाद ताके तिट्टे तिट्टे घेगे तिट्टे तिट्टे तिन किन, ये दूसरा वाला ताके से शुरू होगा। ताके तिट्टे तिट्टे घेगे तिट्टे तिट्टे तिन किन, धाके तिट्टे तिट्टे घेगे धाके तिट्टे तिट्टे घेगे नाना किन तिन किन। ये पूरा कंप्लीट रेला तैयारी में। इसका दूसरा पल्ला, पहला पल्ला धागे तिट किट गेगे तिट किट दिन गिन, धागे तिट किट गेगे नानक इन दिन गिन, ताके तिट किट गेगे तिट किट तिन गिन, धागे तिट किट गेगे नानक इन दिन गिन। ये कंप्लीट रहेगा। आगे मैंने कोशिश, मैंने बोला आपको इसके पलटे भी दूंगा मैं, क्योंकि ये मामूली लेसन नहीं है। मैं हर बार बोलता हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है आपको वो लेसन मिले जो आज तक किसी चैनल ने अपलोड ना किया। मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी, वैसे मेरी हैसियत तो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी सी कि आपको एडवांस लेवल के लेसन जो कहीं से भी नहीं आपको मिल रहे बिल्कुल फ्री में आपको दूँ। और इसी आज के लेसन का हमारा ये रेले का भी लेसन ग्रुप में आया था, थोड़ा तैयारी में देखेंगे। आप इसका तैयारी करें, एक छोटी सी बात और शेयर करूंगा दूसरे लेसन से पहले। अगर आप मुझे जितने भी मैंने एडवांस लेवल के लेसन आपको दिए हैं उनमें से कोई भी लेसन आप मुझे तैयार करके ग्रुप में अपना वीडियो दोगे, पूरी तैयारी में आप मुझे अपना वीडियो दोगे ग्रुप में, जैसे कि ये आज का हमारा लेसन अगर पूरी तैयारी में दोगे तो मैं वो आपका लेसन अपने चैनल पर फ्री में अपलोड करूँगा, आपकी ऐड मैं खुद करूँगा फ्री में, आपको आगे प्लेटफॉर्म पर मैं लेके जाऊंगा। कोशिश करूंगा मैं, अगर आप में टैलेंट है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको मैं आगे लेके कोशिश करूंगा। मैं आपकी वीडियो भी शेयर करूंगा, साथ में सब कुछ लिखूंगा फेसबुक पे, सब जगह पर, यूट्यूब पे भी आपका वीडियो डालूंगा स्पेशली। सो जितने जो एडवांस लेवल के लेसन है कोशिश करिए उसको रियाज करके तैयार करके मुझे सेंड करें, मुझे ही पता चल सके मैं जो आपके लिए सेवा कर रहा हूँ वो मेरी सेवा सफल हो रही है या नहीं हो रही, मुझे पता चल सके। और दूसरे लेसन की शुरुआत करेंगे तबले की पहचान। सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा कॉल्स भी आई आपकी और मैसेज भी आए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा हो रहा आजकल तबले के नाम पे। तबला कैसे खरीदना है, उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान कैसे करनी है। तो पहली सबसे जो बड़ी बात तबले की, मैं आपको दाएं से शुरू करूंगा, ऊपर से शुरू करेंगे, ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही होता है। मैं दाएं के आप शुरुआत करूंगा। सबसे पहले होता है ट्यून, तबले की पहले ट्यून चेक कर लीजिए, पहले शाही का जितना आवाज खुल के आएगा, जितना ज़्यादा देर आवाज रहेगा और अच्छा आवाज आएगा, मिठास के साथ आवाज आएगा, ऐसा नहीं है तू बॉल मारा और मारने से पहले ही बंद हो गया। ये पहले सबसे बात जरूर नोट करिए। उसके बाद इसका किनार, इसकी आस चेक करिए, तार मार कर देखिए ये कितने टाइम तक आस जा रही, और सीधी आस जानी चाहिए बिल्कुल। फिर इसकी ये थाप और चाट, फिर अंदर मैदान, इसे मैदान भी बोलते हैं, मैदान को चेक करिए, ये दोनों अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं इसकी आवाज़ ज़्यादा इसकी कम, ये पहचान पहले ये तीनों की, शाही मैदान किनार, इनकी ट्यून चेक करें तीनों की। उसके बाद शाही में अच्छे से देखें, शाही में अच्छे से घूर के देखें कोई दाना तो नहीं निकला, अच्छी तरह तू तू को ज़्यादा से ज़्यादा बजा कर देखें कहीं पूरा ये दाया शनक तो नहीं रहा,
अगर दाना निकला होगा तो शनकाट की आवाज आएगी, शनकेगा वो, ठीक है। उसके चक्कर ये शनक तो नहीं रहा कहीं, ये उसका कहीं से दाना तो नहीं निकला, अगर दाना निकला तो वो मत लीजिए, सबसे बड़ी ये पहचान होगी। उसके बाद आएंगे किनार पे, इसकी किनार प्रॉपर गोल कट होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी, ठीक है। ऐसा नहीं कई बार किनार इसकी यहाँ तक होती है, ठीक है, शाही तक, वो मैदान का हिस्सा ही नहीं बचता। इस ध्यान करके कि आपका पोटा मैदान में आए, इतना मैदान में भी आपको चाहिए और किनार पर आपका पोटा पूरा आए, यहाँ पर भी इतना गैप चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी अपना ये उंगल फंसना चाहिए मैदान में, और यहाँ पर भी उंगल फंसना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ पे कम छोड़ दिया, यहाँ पे पोटा पूरा नहीं आया, यहाँ से ज़्यादा छोड़ दिया, या यहाँ से ज़्यादा कर लिया, यहाँ से कम छोड़ दिया, ये बिल्कुल सेम होना चाहिए। इससे ट्यूनिंग का वो फ़र्क पड़ता है, आस का फर्क पड़ता है इससे। सो ये ज़रूर नोट रखें। और ऐसा नहीं किनार यहाँ से कम कट हुआ, यहाँ से ज़्यादा कर दिया, यहाँ से कम, बिल्कुल सेम होना चाहिए, ये पूरा सर्कल एक जैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए बिल्कुल। ऐसा नहीं यहाँ से कम कट कर दिया, यहाँ से ज़्यादा किया, ऐसा बिल्कुल मत लीजिए। सबसे बड़ी बात ऊपर की ये तो खासियत होगी, ये तो हमने देख लिया। उसके बाद देखेंगे ये जो इसे भांडा बोलते हैं पंजाब में, ये खाली बिना पत्रे के, बिना पुड़ी डाले, बिना बद्र के, ये बद्दी बोलते, बिना इसके जो भांडा रहता खाली पत्रा डाले के बिना, उसको यहाँ से ये लकड़ी चेक करिए, ऐसे उंगल लगा के ऐसे पूरा चेक करिए, कहीं ये गलत तो नहीं कटी, ऐसा तो नहीं है यहाँ से ऊपर जा रही, यहाँ से नीचे जा रही। इसे बोलते हैं ये दाया विंगा, टेढ़ा, जिसे टेढ़ा बोलते हैं, ये टेढ़ा हुआ। अगर टेढ़ा होगा तो ये तब फिर भी अच्छा नहीं रहेगा, पूरा जल्दी फटेगा आपका, पूरा अच्छी तरह से सुर नहीं होगा ये। सो ये ज़रूर यहाँ से ऐसे देखें, पूरा चेक करके ऐसे लेवल चेक करें इसका, कहीं ये यहाँ से ऊपर जा रहा और यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा, ऐसा तो नहीं है, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। यहाँ से हाथ लगाकर देख लें इसको, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, बिल्कुल लेवल पे, ऐसा नहीं यहाँ पे ऊपर उठा हुआ है, यहाँ से नीचे की तरफ है, ये बात जरूर नोट करें। उसके बाद अगले स्टेप पे चलेंगे, जो ये गजरा, इसे बोलते हैं गजरा, ये गजरा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। जो किसी भी तबले की लाइफ होती है ना, वो ये लाइफ लाइन है तबले की, गजरा लाइफ लाइन है। जितना टाइम ये ऊपर रहेगा उतना टाइम तबला अच्छा रहेगा, जब ये नीचे हो गया तबला ख़त्म बिल्कुल। और ऐसा नहीं यहाँ से ये नीचे, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ये बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, बिल्कुल गोल और ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं इसको मार मार के नीचे किया आपने, वो तबला ले लिया तो आपकी आधी लाइफ तो वैसी ख़त्म होगी, तबले की पुड़ी की आधी लाइफ तो वैसी ख़त्म होगी अगर ये नीचे मिलेगा तो आपको। ये बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, इतना भी ऊपर नहीं होना चाहिए, बराबर लेवल में होना चाहिए और बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, पूरा गोल। ऐसा नहीं यहाँ से नीचे ठोक ठोक के नीचे कर दिया, यहाँ से ऊपर है, यहाँ से फट जाएगा, जैसे बोलते हैं ना आँख निकलना, यहाँ से पत्रा निकल जाएगा। ऐसे क्यों निकलेगा पत्रा? क्योंकि यहाँ से आपका खिच्ची ज़्यादा पड़ गया, गजरे को ज़्यादा ठोक दिया, यहाँ से कम पड़ा, यहाँ से थोड़ा गट्टी को नीचे लगाया तो यहाँ से निकल जाएगा। होता ना आपके साथ, सच बोलना, कईयों के साथ यही चांस होता है। सबसे बड़ी बात इसको, ये स्टार्टिंग से तबला मेकर के पास जाते हैं, ये ठोक ठोक कर नीचे कर देते हैं, उनका काम ही ऐसा है। अगर नहीं बोलेंगे तो वो काम ऐसे ही करेंगे, ये तो करवाना पड़ता काम। बिल्कुल सेंटर में ये, बिल्कुल ये लाइफ लाइन है ये पुड़ी की, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए चारों तरफ, बिल्कुल गोल। ऐसा नहीं है ये नीचा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सुर करने का टॉपिक हम कभी फिर अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे, कैसे सुर करना वो भी आपको बताऊंगा। और सुर करने के लिए सबसे मेन भी यही होता, वो मैं बताऊंगा, वो टॉपिक अलग है, फिर किसी दिन शेयर करूंगा आपसे। ये हो गया हमारा, इसके बाद चेक करेंगे इसकी बद्दी, दबाल, जिसे दबाल भी बोल देते हैं, ये बद्दर जिससे खिंची लगती है, ये मोटी होनी चाहिए, बारीक नहीं होनी चाहिए, जितनी मोटी होगी उतना ही अच्छा होगा। कई बार ये सिंगल, जैसे सिंगल हड्डी होती है ना इंसान की, ऐसी ऐसे दे देते ये, वो जल्दी टूट जाती है, थोड़ा खींचेंगे तो टूट जाएगी, थोड़ी खींची लगाएंगे तो टूट जाएगी,
ये ध्यान रखें, ये बद्दी मोटी होनी चाहिए, ये वाली, इसे बद्दी बोलते हैं, ये मोटी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है गट्टियाँ का, ये गट्टी बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए। ऐसी नहीं एक गट्टी पतली डाल दी, एक मोटी डाल दी, एक पतली डाल दी, इससे तबला ट्यून नहीं होगा, फटने का डर भी रहता, वो तो रहता ही रहता, क्योंकि एक तरफ से ज़्यादा खिंची लगेगी, एक तरफ से कम लगेगी, गट्टियाँ भी आगे पीछे होगी, नीचे लेवल नहीं बनेगा। एक ये गट्टियाँ बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, कोई बड़ी और कोई छोटी, कोई पतली कोई मोटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक लेवल की होनी चाहिए। ये गट्टियों का ज़रूर ध्यान रखें आप। गट्टियों के बाद चेक करें आप ये लकड़ी, ये लकड़ी को पूरा अच्छी तरह से सभी तरफ से पूरी बारीकी से चेक करें, ऐसे पूरा ध्यान से, कहीं पे कोई त्रेड़ तो नहीं आई, कहीं से ये लकड़ी फटी तो नहीं है। अगर आपको 1% भी लग रहा ना यहाँ से लकड़ी फटी है, तो आप तुरंत वापस कर दें उसको, क्योंकि बाद में ये बढ़ जाती और प्रॉब्लम होगी। ये लकड़ी फट जाती तो ये पूरा तबला, लकड़ी जो तबले की यही फट जाएगी, उसके बाद तबला तो गया, किसी काम का नहीं रहेगा। पूरे ध्यान से तबला लेते वक्त ये ज़रूर चेक करें, कहीं से भी छोटा सा भी कोई लकड़ी फटने का निशान तो नहीं है, ऐसे पूरा घुमाएं उसको, पूरा चेक करें अच्छी तरह से पूरा, कोई बात नहीं, टाइम लगता लगे, पैसे लगाने हैं आपने, फ्री तो नहीं ले रहे आप, पैसे लगाएंगे तो पूरा अच्छी तरह से चेक करा करें, आपका हक बनता है, आप पैसे दे रहे हो, जितने मांग रहा वैसे पैसे दे रहे हो, चीज़ अपनी पसंद की लें, पूरी तसल्ली करके चेक करें पूरा, अच्छी लकड़ी है, हैवी लकड़ी होनी चाहिए अच्छी, ये ध्यान रखें कहीं से फटी ना हो, सबसे मेन नीचे से भी चेक कर ले कहीं से फटी ना हो। पूरा यहाँ तक चेक करना, नहीं आपको लग रहा बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे ये नीचे की तरफ, इसे कड़ा बोलते, जो ये हिस्सा रहता ना इसके आसपास ये गोल जा रहा है, इसे कड़ा बोलते, कड़ा, ये सबसे बड़ी बात मेन बहुत बात है, आपको शायद नहीं पता होगी, ये कड़ा बिल्कुल इसके साथ चिपका होना चाहिए, बिल्कुल गोल होना चाहिए ऐसे, ये कड़ा बिल्कुल गोल होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ से खींचा हुआ है यहाँ से साथ में चिपका है, या यहाँ से खींचा हुआ है यहाँ से चिपका हुआ है, इससे ना तो आपका तबला ट्यून होगा पूरी लाइफ में, कभी भी ट्यून नहीं होगा, एक सौ रुपये नहीं खड़ेगा, और फटने का चांस भी हाई रहता उसका। ये बिल्कुल गोल होना चाहिए और साथ में चिपका होना चाहिए, ये हिस्सा देख रहे हैं ना गोल गोल, ये हिस्सा गोल गोल, इसमें चिपका होना चाहिए ये बिल्कुल, ये कड़ा अगर यहाँ से, ऐसा नहीं एक जगह पर बहुत ज़्यादा खींचा हुआ है दूसरा साथ में, ये भी लेवल में होना चाहिए, बिल्कुल गोल, एक लड्डू की तरह बिल्कुल गोल होना चाहिए। अगर टेढ़ा हुआ, ये टेढ़ा हुआ पूरा फटने का डर भी रहेगा, और सुर तो होगा ही नहीं, हो जाएगा एक सुर पे नहीं खड़ेगा, एक सुर पे प्रॉपर अच्छी तरह से सुर नहीं होगा, उतरेगा चढ़ेगा, उतरेगा चढ़ेगा, फटने का डर भी ज़्यादा रहेगा। सो ये भी ज़रूर ध्यान में रखें, यहाँ से चेक करें लकड़ी का अच्छी तरह से कोई फटा फुटा तो नहीं है, ये चेक करें। उसके बाद ये जो सुराग रहते हैं ना इसके छोटे छोटे ये वाले, ये सुरागों की तरफ ध्यान दें, कई बार पत्रा डाल देते यहाँ से एक आधा सुराग फटा होता, वो ये सुराग देखने आपको छोटे छोटे, कोई सुराग को ज़्यादा खींच तो नहीं पड़ी, कोई आगे की तरफ फटा हुआ तो नहीं है, थोड़ा यहाँ से उठा हुआ तो नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना उठा हुआ है तो आप उसको छोड़ दें, बोले मैं नहीं लूँगा, इसको अच्छे करके दे, अगर अच्छा देगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे, और तबला मेकर बहुत है उनके पास चले जाएं, ये दबाव में नहीं आना, पैसे दे रहे हो काम अच्छा लो, ये पूरा देखना आपने इसका लेवल, इसको पूरा अच्छी तरह से चेक करना। ये पूरा चेक होने के बाद ये पूरी आल जो पूरी कंप्लीट चीज़ें हैं बिल्कुल आपको सेंटर में, ये पूरा गजरा इनका पूरा शाही का काम, थाप चाट का काम, अगर सब कुछ गट्टियाँ बद्दी नीचे से कड़ा, आपको लग रहा है सब कुछ बराबर है, पूरा भी हैवी है वेट में, अच्छे वेट में जा रहा है, तो आप तभी ये तबला लें, ऐसी पहचान ये बाई की है, बाई की बिल्कुल सेम पहचान बाई की है, बाई का भी चेक कर लें, बिल्कुल सेम चेक करना, अगर ये आपने चीज़ें चेक करनी है ना बिल्कुल सेम चेक करनी है, जैसे मैंने ये बोला वैसे ही ये बिल्कुल बाई का भी ऐसे रहता। और ट्यूनिंग के लिए थाप चाट और शाही,
ये तीनों चीज़ें अच्छे से चेक करें। ज़्यादा से ज़्यादा आस छोड़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लंबी ट्यून जानी चाहिए इनकी, तभी ये लेना, नहीं तो तबला छोड़ देना। उसके बाद ये गजरा, तो मैंने आप बोला ये सबसे मेन है गजरा, गजरे पे और कड़े पे इस पे फोकस करना आपको, ज़्यादा ध्यान इस पे देना, ज़्यादा ये अच्छे से होना चाहिए। किनार का लेवल बराबर होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं कटी होनी चाहिए, यहाँ से बिल्कुल ज़्यादा काट दी, यहाँ से कम काट दी, ये भी आपने ध्यान रखना, ठीक है। और ये गजरे का हो गया, बद्दी का हो गया, ये बस ये छोटी छोटी चीज़ें, मामूली सी चीज़ें, अगर इन चीज़ों को आप नोट कर लेंगे तो आप आसानी के साथ एक अच्छा और बढ़िया तबला खरीद सकते हैं, अगर न्यू तबला लेने जाओगे तो। वैसे भी आपने अगर पुड़ी खरीदनी है, अगर तबला खरीदना है, तो ये सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात यही है। सो हमारा आज का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर बताऊं, कि अगर आपके बहुत सी कॉल आई, सबसे ज़्यादा मुझे लहसुन की कॉल इसी की आई है, तबले की पहचान बताइए, अगर न्यू तबला लेना है उसकी पहचान क्या है, कैसे खरीदें उसको, क्या क्या उसमें होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने छोटी सी कोशिश की आपको ये टिप देने की, और इसे आप फॉलो करेंगे तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा तबला ले लेंगे आप, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें टेक्निक्स आप नोट करें, बहुत अच्छा तबला ले खरीद पाओगे आप, और कम अच्छे पैसों में, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो। अगर अच्छी तरह से नॉलेज नहीं, आप जितने मर्जी पैसे लगा दो, चीज़ आपको अच्छी नहीं मिलेगी। कोई भी तबला मेकर आपको अपने मुताबिक काम नहीं करके देगा, आपको खुद करवाना पड़ेगा, बोल के करवाना पड़ेगा मेरा ये काम करिए, फिर वो करके देगा, नहीं तो वो ऐसी चेप देगा, वो चेपेगा ही, उसकी मेहनत लगेगी भाई, खिंची देनी पड़ेगी, अच्छा काम करना पड़ेगा, और सीधा जा रहा हूँ उनको, क्या प्रॉब्लम है, वो तो निकालने की करेगा, ले जाओ। अगर काम करवाएंगे उससे अच्छी तरह बोल के काम करवाएंगे, जैसे मैंने बोला, तो आपको अच्छा मिलेगा चीज़, तबला अच्छा मिलेगा आपको। सो हमारा ये आज का लेसन था, और ट्यूनिंग का लेसन, उसका भी बहुत सारा रिक्वेस्ट आया आपका, वो किसी दिन मैं और कोशिश करूँगा कि आपको ट्यूनिंग के बारे में बताएं, तबला अच्छी तरह से आसानी के साथ कैसे ट्यून किया जाता है, और तबला लेने में अगर और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी राय ले सकते हैं मेरी, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कैसे तबला लेना है, कहाँ से लेना है, कैसे लें, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कॉल करके पूछ भी सकते हैं। सो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में ज़रूर रखें जो मैंने आज के वीडियो में बोली हैं, तबला लेते वक्त जब तबला लेना हो वीडियो को अच्छी तरह से सुन लें, पहले जो जो मैंने टिप बताई आपको, जो जो बताया अच्छी तरह से सुन सुन कर आपके मन में दिमाग में उतार लें इसको, उसके बाद तबला खरीदें और फिर मुझे बताएं कैसा तबला मिला आपको। सो हमारी आज का वीडियो का यही मेन मकसद था, लहसुन तो कोई और था आज, सो मैंने उसको थोड़ा आगे कर दिया, मैंने बोला ये लहसुन का बहुत टाइम से मुझे आ रही कॉल्स भी आ रही, ये आपको पहले दिया जाए, क्योंकि सबसे मेन बहुत ज़रूरी लेसन था आपके लिए ये। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये टिप अच्छे लगे होंगे, और हमारा आज का दिल्ली घराने का रेला उस्ताद अमीर खान साहब जी का आपको अच्छा लगेगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले लेसन हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद जी।